अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के शुरू में अपने प्यारे भाइयों और बहनों के लिए यही दुआ किया करता हूँ कि अल्लाह पाक उन सबको जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद दे। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके हमसाया और जो मजदूर लोग हैं पूरी दुनिया में काम करने वाले, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और उन पर करम फरमाए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आप देख सकते हैं मेरे सामने ईद की जो है ना पहली ईदी पहुंची है हमारे पास। ये कहां से आई है ये भी आपसे शेयर करेंगे, और इसके अलावा मैं आज अपने दोस्तों से एक ख़ास बात करने वाला हूं। कल मैं बैठा था, अपना जो मेरा चैनल का डेटा है वो निकाले हुआ था, तो उसमें मैंने देखा कि जो मेरे देखने वाले बहन और भाई हैं और भी जो भी हैं जितने भी पूरी दुनिया में दोस्त हैं, तो तकरीबन उसकी परसेंटेज थी जो सब्सक्राइब करने वाले थे वो 45% मुझे देख रहे थे, और जो सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने वो 55% थे। तो मैं बहुत हैरान हुआ, भाई मेरी वीडियो देखकर लोग चले जाते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आप ही की सपोर्ट का मुंतज़िर हूँ, आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। तो आपने मेरी इस बात पर लाजमी अमल करना है, और मुझे खुशी नसीब होगी कि मेरे दोस्त जो सब्सक्राइब नहीं करते वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और देखते तो वैसे भी हैं, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरा हौसला बढ़ जाएगा, मुझे भी पता लगेगा कि मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ भी देख रहे हैं। तो बेगम साहब भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो साकिब और ज़ैब तो बहुत खुश हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा इसमें। तो और जो मेरी बहन ने ये हमारे लिए भेजा है ईदी का गिफ्ट, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और फुर्सत दे और वो हमारी इस तरह जो है ना हेल्प करते रहें हम सब लोगों की। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं दिल से, तो मेरी बेगम भी उनका शुक्रिया अदा करेंगी। मैं अपनी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, वो हमें इस लायक तो समझा। तो बात दरअसल ये है कि अब इसको खोलना किसने है पहले? आपने खोलना है। मैं तो पिछली बार भी एक गिफ्ट आया था तो इसरार किया था कि अपनी बेगम को कहते खोलने के लिए, तो आज तुम ही इसका इफ्तिताह करो, बिस्मिल्लाह करो और अपनी बहन का गिफ्ट तुम खुद ही खोलो। बिस्मिल्लाह, अल्लाह उनका जो दिया हुआ जो भी सामान है कबूल करे और उनको ढेरों खुशियां नसीब करे। साकिब ने भी जो है ना, ज़ैब ने भी जल्दी से अपना हिस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को वैसे भी बहुत जल्दी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो साकिब तुम्हारे लिए भी इसमें बहुत सी चीजें होंगी। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कपड़े हैं, ये पूरी फैमिली के लिए उन्होंने भेजे हैं, एक जोड़ा ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक और जोड़ा है कपड़े हैं। बेगम एक को खोल के दिखाओ ना थोड़ा, ये सब निकालो। कैंची तो रख दो साकिब, अभी कैंची लग जाएगी। तो दोस्तों, ये है इंग्लैंड के बादाम, ये ख़ास तौर पर मेरी बहन ने मेरी अम्मी और मेरे अब्बू के लिए भेजे हैं। तो मेरी वालदा मोहतरमा और मेरे वालिद मोहतरम इसको देखकर बहुत खुश होंगे और उनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से अंदर से भी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये बिस्किट, कस्टर्ड क्रीम बिस्किट, और ये टॉफियाँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, और पैक की हुई टॉफियाँ।
बहुत खूबसूरत डब्बा बना हुआ है। एक मिनट इसको खोलना है पहले। ये साकिब और जुहैब तुम्हारे लिए टाफियां आई हैं, खाओ इनको, मजे उड़ाओ। ये बाद में तकसीम करेंगे, और भी बच्चे हैं हमारे घर में, सबको देंगे। ये बिस्किट भी हैं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी आंटी ने भेजे हैं खास तौर पर। वो बोल रही थी मेरी बहन के साकिब और जुहैब को बोलना है कि वो खा कर दिखाएं हमें। आंटी का शुक्रिया अदा करो। अपनी आंटी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे? आंटी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बिस्किट भी हैं, ये भी खाओ। थोड़े थोड़े खाओ ना, थोड़े थोड़े खाओ। बाकी ये जो है ना और बच्चों को भी देंगे। तो और क्या चीज़ है इसमें देखते हैं। ये एक और कपड़ों का जोड़ा है, सूट है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ये भी नज़र आ रहा है। और ये जूता, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ बेगम देखो थोड़ा, माशाल्लाह से ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये कुछ और जो है ना जूते हैं, ये जोड़ा है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हैं जी, ये एक और वैराइटीज़ है कपड़ों की, माशाल्लाह से ये भी ज़बरदस्त है। इसके कलर देखो, बहुत ही खूबसूरत है। और ये कलर, आई वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और ये भी उसका मुकाबला कर रहा है, इसका भी क्या कहने, माशाल्लाह से ये भी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह उनको पहुँचाइए। ये देखो, ये कुछ पैसे उन्होंने तुम्हारे लिए भेजे हैं, तुम्हारी आंटी ने। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4.5, 4,500 रुपये हैं। वो बोल रही थी आधे जुहैब के हैं और आधे साकिब के हैं। तो ये तुम अपनी अमानत खुद ही संभालो, तुम जेब में डालो, जेब में डालो। कुछ और सामान भी है। ये एक और, ये बेगम क्या है, तुम्हें इसका ज़्यादा इल्म होगा, लेडीज़ है ना, ये दिखाना थोड़ा। सर्दियों के लिए स्वेटर है। हाँ तो ये मेरे लिए है मेरे ख्याल में। हाँ चलो, कुछ तो मेरे लिए अभी आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा नज़र आ रहा है। और ये एक और कपड़े हैं, ये भी खूबसूरत है। और क्या चीज़ है ये भी इसके। तो ये हमारी आंटी का सामान है मुकम्मल। तो इसको अलग-अलग करके बाद में भी देखेंगे। ये कपड़ा मेरे ख्याल में साकिब के लिए है। पहनो साकिब, पहनो। जुहैब ने तो अभी पैसों की बटाई शुरू कर दी है, वो उधर बैठा है। जब से पैसे उसने देखे हैं वो इधर, उसका ध्यान ख़त्म हो गया है, वो उधर ही लगा है पैसों के साथ। मैं वैसे मजाक कर रहा था, ये बच्चों के लिए थे क्योंकि छोटे हैं। ये एक साकिब के लिए है और एक जुहैब के लिए। जुहैब पहनो इसको इस तरह करके, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये एक है जोड़ा, दो हो गए, और ये हो गए तीन। और ये मुझे तो ये फेवरेट लगा था, ये चार। ये इसके साथ है, ये वो पहले वाले के साथ है ना। तो इसमें तकरीबन 10 जो है ना वो लेडीज़ के जोड़े हैं, साकिब और जुहैब के लिए 2 रुमाल और 3 जैकेट हैं सर्दियों के लिए। इसके अलावा ये बिस्किट, बादाम, और ये टाफियों का डब्बा, और ये 4 सैंडल हैं। तो बहुत सामान है, काफ़ी
मेरी बहन ने जो भेजा है बहुत हमें पसंद आया। मेरी बहन, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने दिल से इतना तो हमारे लिए सोचा इस नाचीज़ को कि गिफ्ट दे दिया, तो हम आपके बहुत मशकूर हैं। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत से और हर मुसीबत से निजात दे और बचाए, अल्लाह ताला आप पर खसूसी करम करे। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहन और मेरे भाइयों, सबको पसंद आई होगी। तो आपने हमारी सपोर्ट जारी रखनी है, जिस तरह आप पहले सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप आगे भी इस तरह सपोर्ट जारी रखेंगे। तो आज आपके लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।